पूछी थे काज करो वे हाँ बोल मुंह दिखाओ तब ना बिटिया मिली ही दिखाओ मुंह कह दे हाँ हम काज कराऊ। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस फाइनल हो चुके हैं सुबह, आज की सुबह लगभग कल के ही जैसा है बिकॉज आज भी इतना सारा फॉग फॉग हो रखा है इधर पूरा। तो सुबह सुबह रितिक आराम से खेल रहा, सुबह बन चुकी है हम लोगों की चाय, तो आराम से बड़ी वाली गिलास में आज पी रहा है। और यहाँ पर है बब्बा जी को भी दे दिया, वो भी आराम से पी रहे हैं। चाय पीते पीते थोड़ा सा घूम लेंगे बड़े के घर साइड, यानी कि बड़े पापा के घर साइड, फिर इसके बाद थोड़ा सा चाचा जी के यहाँ, इसके बाद फटाफट से अपन लोग तैयार होंगे बिकॉज आज का आज अपना जो टूर है काफी मस्त और तगड़ा होने वाला है। ये भी सारी बकरियाँ आराम से धूप ले रहे हैं, लेकिन धूप तो निकला ही नहीं भाई। बिल्ला कृष्णा, तो पूरा घर खाली है यार, कोई है ही नहीं। तो अपन लोग लौट चलेंगे, अब चलेंगे सिर्फ चाचा जी के यहाँ, देखेंगे वहाँ पर कोई होंगे। अरे बड़े लोग तो उधर बैठे हैं भाई। तो ये दोनों ना एकदम सुबह सुबह पगुराते सुकून के साथ खड़े हैं, और धूप तो ऐसे है नहीं, तो उतना भी ज़्यादा आज ठंड नहीं पड़ रहा बिकॉज फॉग फॉग हो रहा है, तो धूप भी नहीं है प्लस ठंड भी नहीं पड़ रही। और बड़े लोग यहाँ पर आराम से आग वग लगा के बैठे हैं। अभी आया कृष्णा पानी लेके। बिल्ला था कृष्णा, तो मम्मी इन दोनों को भूसे में कने मिला के दे दिए, तो आराम से खा रहे हैं मस्त। कई सारा रात है मोहनी, गोली नहीं खाए भाजी आता रहते, सब्जी बनाते हैं। और तो सब कुछ ठीक है, बट आंटी का जो तबीयत है ना, तो आज काफी ज्यादा खराब हो रखा है। तो बड़े पापा थोड़ा बहुत झाड़ फूक करेंगे, हो सकता है ठीक हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वैसे डॉक्टर आए थे कल, इंजेक्शन वगैरह भी देके गए थे, बट कोई इतना आराम मिल नहीं रहा, फिर देखेंगे क्या होता है। तो और चाचा जी बना रहे थे पिरुए वगैरह खटिए का पाया, तो अब चलेंगे अपन लोग घर साइड और देखेंगे अब घर का क्या है। फिर इसके बाद अपने पूरे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, इसके बाद तैयार होएंगे। अभी तो 8 बज रहा है और 9 बजे हमारी बस है, हमारे यहीं से होके जाएगी। तो अपन लोग तैयार होके एकदम पूरा एकदम रेडी होके खड़े होंगे रोड पे, फिर इसके बाद निकलेंगे अपने सफ़र साइड और चलेंगे आज सफ़ेद चीता देखने के लिए मुकुंदपुर, वाइट टाइगर सफारी एंड जू। तो उधर से आएगा अभी रवि, तो रवि को मैंने कॉल किया, वो आएगा भड़ोरे पे, उसको वेट करना पड़ेगा। तो फटाफट से अपन लोग तैयार होके निकलते हैं अभी। ऐसा रोबत है पक्का। तो वैसे अपन लोग एकदम पूरा फ्रेश होके रेडी हो चुके हैं चलने के लिए। भाभी यहाँ पे बना रही हैं, तो भाभी यहाँ पे बना रही हैं खाना, तो आज तो खाना मेरे नसीब में है नहीं, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब हमारी बस आ चुकी है, अब तो आराम से यहाँ पे बैठा मोटा कालू, तो चल बे बागे, चल बागे चली कहाँ? मुकुंदपुर। अपन को बहस समझिया, ये देख तो सपूता बामू नसवाए, ओए पैसा ले वे चराने वाले कोरोना वायरस ना लगा वाले। तो गाइस ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शैतान है, फ्री फायर खेलने के लिए छोटे छोटे मोजे काट डाला, सारे तो का पाप लागी कहा जानी। हाँ अंगूठा अंगूठा काट ली से, केवल 10 रुपये के लिए महाशय जी का रौद्र रूप एकदम किरवा घुसिया। चलेंगे अब चौराहे साइड, देखेंगे उधर गाड़ी आई है कि नहीं, बस से बस आएगी तो यहीं से जाएगी हमारे घर के बगल से ही, और वैसे भी मैं सड़क में हूँ पर फिर भी खाली खड़े होने से अच्छा है कि चलेंगे उधर ही टहलेंगे, देखेंगे मिल जाएगी उधर ही बैठ जाएंगे, खाली सीट मिलेगी उधर। तो आज अपन लोग फाइनली पहुँच चुके हैं सेमरिया, और रवि भी मिल चुका है, लेकिन एक चीज़ क्या बोलना, पूरा एकदम पूरा प्लान पोपट हो गया है आज का, बिकॉज घर से केवल 17 किलोमीटर्स को कवर करने में बस को लग गया 1 घंटे, और भैया यहाँ से 86 किलोमीटर तो जाने में कितना टाइम लगेगा आप सोच ही सकते हो, अगर बस का ऐसा ही एवरेज रहा तो अपना पूरा जाने का प्लान कैंसिल, और अपन लोग पैदल निकल चुके हैं घर साइड। फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं सेमरिया मार्केट के पास, और पता नहीं जहाँ ना ये महाशय जी ले जाएंगे, कहाँ तक पैदल रेंगाते हैं, रेंग रेंग के पूरा हालत ही खराब हो जाएगा। फिलहाल अभी तो मिलेगा मार्केट, तो मार्केट में खाएंगे समोसे, फिर इसके बाद देखा जाएगा गाड़ी से जाएंगे या फिर चढ़ाई में रनिंग करेंगे। अरे अपन लोग चलते चलते आ चुके हैं काफी दूर, और मार्केट में आते ही ले लिए थे केला, रवि लिया एकदम खाए जा रहा अकेले अकेले, फिर इसके बाद थोड़ा सा है आगे होटल, तो समोसे वगैरह खाएंगे फिर इसके बाद चलेंगे। अपन लोग के ना चल चल के पूरे हालत ही खराब हो गए, और ये भाई साहब के जर्सी वर्सी उतर के हाथ में आ गई, और पसीने से लत होने लगे हैं दोनों लोग, और इतना पसीना आ रहा ना कि मैं भी टोपी वोपी उतार के चश्मे उसमें सब कुछ हाथ में ले लिया। और तकरीबन हम लोग यहाँ पर 13 से 14 किलोमीटर एकदम पैदल चलते ही आए, और करीब अभी
1:10 हो चुके हैं और 11 से लगातार पैदल अपन लोग चल रहे हैं और ऊपर अपने गांव की पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू हो गया है हम लोगों का। और ये रवीना रवि रवि कम रवीना टंडन ज़्यादा लग रही है। तो गाइस अपन लोग एकदम पूरा नीचे से चढ़ के आ चुके हैं सेकंड मोड़ पे और रवि आ रहा इधर से और मैं एकदम सीधा सीधे एकदम शॉर्टकट गली आया और ये एकदम घूम के आया भाई वहाँ से। हाँ बढ़िया लागत है। तो गाइस यहाँ से ना एकदम मस्त खुला आसमान लगता है भाई और काफ़ी ऑसम व्यू लगता है यहाँ से नीचे साइड देखने में। तो ताल रेडी हो रखे पहले से। यू आर ब्लैक 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 के बाद का जोड़ी कमांडो कमांडो और एक कमांडो हमारा आगे तो मोटवा कलुआ है। पर चढ़ चढ़ के ना मेरा पूरा हालत ख़राब हो रखा है और पीछे आप देख सकते हो अभी इतना टीला हम लोगों को चढ़ना भी बाकी है। और एक तो मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन रखा है ना तो और भी ज़्यादा प्रकाशावशोषण से पूरा गर्म हो जा रहा है। यहाँ पे बंदा एकदम तैयार खड़ा है देने के लिए पोज। वैसे अपन लोग फाइनली पहुँच गए घर और एकदम लगा लगी है दवा के भूख तो पान करेंगे सबसे पहले पेट पूजा। और ये रवि का ना भी पूरा एकदम मायूस मायूस हो रखा है बंदा पूरा आना इसका व्यर्थ हो गया। मेरे पहुंचने से पहले यहाँ पर आ चुके हैं मौसा जी एंड मौसी दोनों आ चुकी हैं फिर से कहाँ नहीं हरते। हाँ ये ब्लैक वाली हमारी मौसी है सबसे अलग। तो गाइस अपन लोग एकदम खाना पीना खाने के बाद तंदुरुस्ती होने के बाद निकल चुके हैं गांव साइड घूमने के लिए और रवि भी आ चुका है साथ में। और एक चीज़ गड़बड़ हो गया, अपन लोग बांध देखने चलने वाले थे बट टाइम का थोड़ा सा अभाव है तो इसलिए नहीं जाएंगे उतना दूर। यहाँ से जाने के लिए हम लोगों को 28 जाना पड़ेगा, वो भी गाँव की गली है तो 40 से ज़्यादा स्पीड भी नहीं कर सकते तो बेकार है, पूरा नाइट ही हो जाएगा। तो वहाँ खड्डी बांध जाने का पूरा प्लान कैंसिल। थोड़ा बहुत गाँव में घूमेंगे राउंड वाउंड मारेंगे बस ऐसे ही निकलेंगे घूमेंगे फिर इसके बाद घर साइड चलेंगे। और करीब 5:40 के करीब इसका बस भी आ जाएगा तो रवि भी जाएगा फिर घर साइड। चल के हम लोगों का हो चुका था पूरा हालत ख़राब बिकॉज वहाँ भड़ौरा से पैदल आए तो अब इस बार हम घूमेंगे इस बाइक से। साथ ही अपना मैंने छोटू कैमरा सेट कर रखा है। तो वैसे अपन लोग फाइनली खूब सारा गांव घूम लिए भाग लिए और घर से रिटर्न भी आ गए खाना पीना खा के फिर से बिकॉज दोबारा भूख लग गई थी। तो अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो सनसेट होने वाला है। हमारे गांव के बगल में लगता है मेला तो गांव के बगल वाले में चलेंगे बिकॉज आज संडे का तो गाँव के बगल वाले में संडे के दिन लगता है बाकी हमारे गाँव में ट्यूजडे के दिन। तो चलिए चलेंगे मेला वगैरह देखेंगे उधर का क्या कैसा है फिर इसके बाद रिटर्न घर। तो गाइस यहाँ का ना पूरा माहौल ठंडा ठंडा सा हो रखा है पूरा। तो अपन लोग को ना घर निकलना चाहिए बिकॉज यहाँ का पूरा माहौल ठंडा ठंडा सा हो रखा है। हम लोग फाइनली लौट आए हैं घर और गाड़ी वाड़ी रख के एकदम टाइम से ले जा रहे हैं इसको उठाने के लिए रवि को। तो गाइस रवि को ना गाड़ी वाड़ी चढ़ाने के बाद कुछ सब्जी वगैरह खरीद लिए अपने लिए, आलू टमाटर और गोभी है और ये मोटा कालू पूरा डस्ट में लौट रहा। अब नहीं ढन गए लागे नानी। तो गाइस यहाँ एक मौसी और मौसा जाने के बाद एक मौसी और नन्नी जी फिर से आ गए और बाकी पहले से एक मौसी पधारी है और ये बाकी सारे चुन्नू मुन्नू लोग। ये सारा आज बेड वेड निकालेंगे बाहर साइड यहाँ का कचरा हटाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे एक बल्ब बिकॉज यहाँ पर नहेंगे नन्नी लोग बाकी इधर पूरा का पूरा धान भरा है भाई। तो यहाँ पे बन रहा हमारा नाइट का खाना, सब्जी है दाल है बाकी चावल रोटी ना बनी आज सुहारी खावे ये। और ये बच्चों के मोजे वोजे फाड़ फाड़ के ये देखो शैतान लड़का। तो बकरियों के बच्चों के सेवा में लगे हुए हैं आज धर्म बागी वही से बिचारा है बिगड़ा पैसा का। हीरो हीरो मौसी और नन्नी लोग सभी लोग चले गए डिनर करने के लिए और हम लोग भी चलेंगे। तो मम्मी यहाँ पे बना रही हैं चावल की रोटी और ये महाशय जी चूल्हा के पास बैठ के खा रहे हैं घोड़ हो गए ना। मैं एक काज करबन करबे बिटिया मिल जाएगी तो काज करबे ना है बोल ना काज करबे है पूछी थे काज करबे। हाँ बोल मुंह दिखाओ तब ना बिटिया मिली ही दिखाओ मुंह कह दे हाँ हम काज कराऊ तू सुंघते आ है और तो कहेंगे अहिर। तो
तो गाइस हमारा भी फाइनली डिनर और सब कुछ हो चुका है और अब करेंगे इस वीडियो की एडिटिंग, तो यहीं पर इस वीडियो की एंड करेंगे। सो आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए और हम आपसे मिलेंगे अगली ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।